नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में एनसीपी कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में भारी तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में कलबा मुमरा के आमदार जितेंद्र आवाड ने आने वाले चुनाव को देखते हुए अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। जितेंद्र आवाड ने कहा है कि मेरे विरोधी हमेशा सोशल मीडिया पर कब्रिस्तान का मुद्दा लेकर चलते हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि कब्रिस्तान का काम पूरा हो चुका है। साथ ही कहा कि शहर में ज्यादातर सड़कें कंक्रीट की बन गई हैं, मगर मेरे विरोधी व्हाट्सएप फेसबुक पर विकास को ढूंढ रहे हैं। ये मेरे प्रति लोगों का प्यार ही है जो आज इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। अपोजिशन सिर्फ कब्रिस्तान के लिए सीमित है, बाकी कोई अपोजिशन है ही नहीं। और कब्रिस्तान भी क्यों, उनको लगता है कब्रिस्तान जज्बाती है। पिछले 9 सालों में किए हुए काम के कारण अब जज्बात पे नहीं, लोग काम के ऊपर ध्यान देके मुमरा और कौसा की तरफ देख रहे हैं। आज जब पेपर में ये लिख के आता है कि थाना शहर खड्डे में है, लेकिन खड्डे में रहा कलवा मुमरा उससे बाहर है, क्या मुझे गर्व नहीं होगा? एक जमाने में आप याद करिए कि जब आप नमाज पढ़ने जाते थे, मंदिरों मस्जिदों की ओर चले जाते थे, क्या आप पाक जा सकते थे? रस्ते के नीचे का कीचड़, वहां पे जमा हुआ नापाक पानी, गटर का पानी, आपका क्या वजू खराब नहीं हो जाता था? आप नापाक नहीं होते थे? लेकिन आज आप किसी भी गली मोहल्ले में जाइए, 90% गलियां कंक्रीट की हुई है कि नहीं हुई है, मुझे हाथ उठा के जवाब देना। ये पीछे वालों का गली में नहीं हुआ है क्या? जो हाथ नहीं उठाएगा उसने बताओ कि तुम्हारी गली है कंक्रीट की नहीं हुई है, तो कल करके देता हूँ। चाचा आपकी नहीं हुई है क्या कंक्रीट की? ऐसा है कि लोग पूछते तुम हमेशा रस्ते के बारे में बात करते हो। हम साथ ही मिलकर राहुल गांधी और शरद पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी को खत्म करके ही रहेंगे सरकार। और यह भी विश्वास दिलाता हूं शमीम भाई कि आप वाशिम आजमी साहब भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ हमारे साथ है और हम भी पूरी ताकत के साथ उनके साथ है। वही सम्मेलन में 362 लोगों की नई पदनियुक्ति की गई है, जिसमें शमीम खान के कामों को देखते हुए उन्हें कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष दोबारा बनाया गया है। वही कलवा मुमरा महिला विधानसभा अध्यक्ष रिनी को बनाया गया है। इसके अलावा जावेद शेख को कौसा ब्लॉक अध्यक्ष, बबलू सेमना को मुमरा ब्लॉक अध्यक्ष, महफूज मामा को सिल का ब्लॉक अध्यक्ष, डॉक्टर मुमताज शाह को जनरल सेक्रेटरी, इम्तियाज खान को जनरल सेक्रेटरी का पद दिया गया है। साथ ही इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सपा और एमआईएम के कार्यकर्ता विरोध करते हुए देखे। सपा के वसीम सैयद ने कब्रिस्तान मुद्दे पर और सपा के गठबंधन को लेकर विरोध किया, तो वहीं एमआईएम के सैफ पठान ने कार्यक्रम के समय सीमा को लेकर विरोध जताया। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।